आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। ये भी छोटा सा चैप्टर है वैसे तो, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। बस एक आपको दो टेबल दिए जाएंगे, मीन्स मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2, और आपको एक वर्ड दिया जाएगा। दोनों मैट्रिक्स में से आपको वर्ड कलेक्ट करना है, लेटर्स कलेक्ट करने हैं, अल्फाबेट को देखना है कौन से नंबर के अकॉर्डिंग आ रहा है। उसके बाद उसको एलिमेंट्स को कलेक्ट करके आपका जो ऑप्शन में आएगा, जो टाइम वाइज ऑप्शन में बन रहा होगा, आपको वो ऑप्शन टिक करना है। सपोज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2, और एक वर्ड लिया है कार्ड। ठीक है, कार्ड के मैंने लिख लिए ऐसे लेटर करके, अल्फाबेट अलग अलग करके लिख लिए हैं। सी को मैंने बनाया पहले, सी के सारे एलिमेंट्स लिखे हैं मैट्रिक्स 1 में। सी के कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं, जैसे 0 2 0 2, 1 1 1, 1 1, यहाँ से 1 यहाँ से, 2 3 2 3, है ना। कैसे मैं कैसे मिला रही, देखो जैसे यहाँ पे ये रोज होती है, ये कॉलम्स होती है। ठीक है, यहाँ पे सी आ रहा है तो ये 3 और 2 ऐसे इसमें आ रहा है, 3 2, फिर 4 और 0 में सी आ रहा है। सिमिलरली ए आर डी मैंने सबके एलिमेंट्स बना के लिख लिए। अब हमें ये देखना ऑप्शंस में कौन कौन से हमारा जो सेट बन रहा है, हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सेट बन रहा है। 3 2 00 56 56 इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। नेक्स्ट 40 21 68 44 नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। थर्ड है 11 33 57 72, ये सी ऑप्शन करेक्ट है, सारे एलिमेंट्स इसमें मैच कर रहे हैं। इस तरीके से आपको मैट्रिक्स टेबल सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है, जैसे मैंने नेक्स्ट लिया, नेक्स्ट है मैंने 10 किया है, TEM PT, ओके 10। अब मैं इसके सारे एलिमेंट्स कलेक्ट करती हूँ मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 में से। ये मैट्रिक्स 1 है, मैट्रिक्स 2 है। आपको रोज और कॉलम में से देखना है TEM PT कहाँ से बन रहे हैं, लेटर कहाँ से बन रहे हैं। जैसे टी बन रहा है दोनों मैट्रिक्स में हो सकते हैं, आप ये देखना दोनों मैट्रिक्स में हो सकते हैं, आप दोनों को ध्यान से देखना। टी पहले किस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0 3 0 3 then 1 0 1 0, then इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 5 6, then 6 8, then 7 8, then 8 9, इस तरीके से सारे बनाने हैं आपको। ई इसमें नहीं है, इसमें है ई, 1 1, then 4 3, उसके बाद 5 9, उसके बाद 9 7। एम देखते हैं, एम किस किस में बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 2 1, यहाँ पे दो जगह बन रहा है 3 1 और 3 2, कोई भी एलिमेंट छोड़ा नहीं है। ठीक है, वहाँ इसे आपका आंसर निकल सकता है क्या पता, 5 8 M 6 9 7 9 P 1 2 4 0 5 5 9 9 मैम टी टी के सेम ही है, इस तरीके से टी के तो सेम ही है, 5 6 6 8 7 8 9। अब आप ये देखो, इस ये नहीं है कि सारे ऑप्शन करेक्ट है, आपको इनमें से एक एक एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके सीक्वेंस बन रहा होगा आपका, वो ऑप्शन ठीक होगा। जैसे यहाँ पे 5 6 5 6 ठीक है, 4 3 ठीक है, 3 2 ठीक है, 9 7 नहीं आ रहा पी के प्लेस पे तो ये ऑप्शन ए रॉन्ग है। देन उसके बाद बी ऑप्शन 8 9 4 3 4 0 नहीं आ रहा, ये भी ऑप्शन रॉन्ग। सी 1 0 7 5 ये भी नहीं आ रहा, 7 5 नहीं है ई के प्लेस पे। देन 7 8 11 1 2 1 2 नहीं है इसमें, 9 6 भी नहीं है, 1 0 भी नहीं है, कोई एलिमेंट मेरे से रह गया है शायद। 10 75 टी का देखते हैं एलिमेंट, सारे टी के एलिमेंट देखते हैं, 0 3 1 0 5 6 6 8 7 8 8 9, ओके। उसके बाद 11 ई का एलिमेंट भी रहता नहीं गया ना, उसके बाद 4 3 5 9 7 5, यहाँ पे ई का एलिमेंट नहीं गया है, 7 5, ओके। अभी पहले आप देख लेते हैं 10
7532 96 96 पे क्या पी आ रहा है? हाँ 96 में एस में ध्यान रखने आपको इस बात का है ना, इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो तो आंसर सी करेक्ट है। सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, इसे 10 भी आ रहा है। 7532 96 78 आप टेबल में से मैच भी कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसमें वर्ड है नेम, मैं आपको सभी तरीके से बताऊंगी। पहले तो मैंने एक एक एलिमेंट सबको यहाँ करके बता दिए थे, एक एक वर्ड करके यहाँ बताया था, शॉर्टकट तरीका है। आप सीधे ऑप्शन से भी आंसर को पता लगा सकते हैं, जैसे आपको मैट्रिक्स वन मैट्रिक्स टू दिया हुआ है और ये रोज कॉलम से, ठीक है, जैसे आप जानते हैं सब। ऑप्शन ए देखते हैं पहले, ऑप्शन ए में क्या देखते हैं, 7A मेन के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। 7A यानी 7A से क्या हमारा मेन एम बन रहा है, एम 7A नहीं बन रहा, एन आ रहा है 7A पे, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकेंड है 10 पर ए आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है 11 पे देखते हैं, एम 11 पे एम आ रहा है, 21 पे ए आ रहा है, इस पे एम लिख देते हैं, इस पे ए। 85 पे आई आ रहा है, 66 पे एन आ रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट है, मेन हमारा बन गया है। डायरेक्ट ऑप्शन में जाकर के हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैसे 43 पे क्या बन रहा है, ए बन रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेल्ट, बी देखो कहाँ से बन रहा है, 12 से बी बन रहा है, बी आ रहा है इससे। 99 से ए आ रहा चाहिए, आ रहा है ए भी आ रहा है। 65 से एन आ रहा चाहिए, नहीं के आ रहा है, तो ये ऑप्शन आ गया रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए 21 से बी आ रहा है, 88 से ए आ रहा है, 95 से एल आ रहा है, 24 से क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी में क्या हो रहा है, 43 से डी आ रहा है, ठीक है। 55 से ए आ रहा है, ये भी ठीक है। 67 से एल आ रहा है, 04 से एफ आ रहा है, एंड जाके देखना, ठीक है। कभी आपको जब भी डी ए आर आए तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, एंड वाला अल्फाबेट गलत आ गया ना। नेक्स्ट है 34 से डी आ रहा है, 77 से ए आ रहा है, 76 से ए आ रहा है, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, वन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन करने हैं हमें आज के लिए। थैंक यू, बाय।